हाय गाइस, मृत्युंजय सोनी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं आईपीएल 2022 की स्पेशल टारगेटेड प्लेयर्स वीडियो। मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं 5 टीमों पर, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम SRH की टीम की बात करने वाले हैं। हालांकि आईपीएल 2021 में तो SRH का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और चाहती है SRH की टीम की प्लेयर्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट करें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कमजोरी भी बताने वाला हूँ, कमजोरी के हिसाब से टारगेटेड प्लेयर्स कौन होंगे SRH की टीम के। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। SRH के फैन हो या IPL के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम SRH के रिटेन और RTM खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स को रिटेन करने वाली इस बार के ऑक्शन में और कौन से प्लेयर्स पर RTM कार्ड का यूज़ करने वाली SRH की टीम। तो सबसे पहले मैंने केन विलियमसन की चॉइस रखी है, पहली चॉइस केन विलियमसन रहेगी रिटेन करने में SRH की टीम की 101% डेफिनेटली, ऑब्वियसली कैप्टन है और होंगे सही इस बार रिटेन। दूसरे नंबर पर मैंने मेन ऑलराउंडर SRH के मेन ऑलराउंडर राशिद खान को रखा है। राशिद खान भी बहुत ही बड़ी तलवार है SRH की टीम के रीढ़ की हड्डी है और राशिद खान भी बहुत मेन प्लेयर है, स्पिनर बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो राशिद खान को भी मैंने रखा है रिटेन लिस्ट में। और तीसरे नंबर पर मैंने SRH के ओपनर जॉनी बेस्टो को भी रखा है। SRH नहीं चाहेगी कि जॉनी बेस्टो को इस बार छोड़ दे नीलामी में, तो जॉनी बेस्टो को भी रिटेन कर लेगी SRH की टीम। अब मेन बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स पर RTM कार्ड का यूज़ होने वाला है इस बार के ऑक्शन में। तो RTM लिस्ट में से या तो भुवनेश्वर कुमार या डेविड वार्नर में से पहला RTM यूज़ होने वाला है। भुवनेश्वर कुमार अगर रिलीज हो गए और SRH की टीम नहीं चाहेगी कि इतने अच्छे जो डेप्थ बॉलर है उनको छोड़ दे, तो SRH की टीम भुवनेश्वर कुमार या डेविड वार्नर में से किसी एक में से RTM कार्ड यूज़ करने वाली है। डेविड वार्नर को भी RTM का यूज़ कर ले सकती है अगर प्रॉपर ओपनर की ज़रूरत है SRH की टीम को। तो ये तो पहली चॉइस थी। और दूसरी चॉइस मैंने सबसे अच्छे बॉलर SRH की टीम के टी नटराजन के ऊपर रखी है और टी नटराजन भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है SRH की टीम के और ऑक्शन में बहुत कम मिलते हैं ऐसे यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज, तो SRH की टीम RTM कार्ड नटराजन पर भी यूज़ करने वाली है। इन सबको साइड में रखकर अब हमारी मेन बात पर आ जाते हैं कि कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाली इस बार के ऑक्शन में SRH की टीम। वीकनेस पर बात करने वाले हैं हम, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो SRH की टीम जो है मिडिल ऑर्डर की तलाश बहुत कर रही है बहुत सालों से और मिडिल ऑर्डर प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा है इनको बहुत सालों से, और मिडिल ऑर्डर के पीछे तो जाने वाली है SRH की टीम डेफिनेटली। और मिडिल ऑर्डर में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है इस बार के ऑक्शन में। अंबाती राइडू अगर आ गए CSK की तरफ से तो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, इस बार आपने देखा होगा बहुत अच्छा खेल रहे थे अंबाती राइडू और मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा संभाला था CSK की टीम का। अजिंक्य रहाणे दिल्ली की तरफ से अगर आ गए तो अजिंक्य रहाणे भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और इनको मौके नहीं मिल रहे दिल्ली कैपिटल की टीम में, तो ऑक्शन में इस बार आना डेफिनेटली पक्का है अजिंक्य रहाणे का। देवदत्त पडिकल के भी बहुत कम चांसेस है पर चांसेस है आने के ऑक्शन में RCB की तरफ से। डेविड वार्नर के साथ अगर ओपनिंग कर ली इन्होंने तो बहुत ही अच्छी जोड़ी जम जाएगी अगर डेविड वार्नर रहे SRH की टीम में। और राहुल त्रिपाठी भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं KKR की तरफ से अगर आ गए ये ऑक्शन में, तो राहुल त्रिपाठी भी अच्छा मिडिल ऑर्डर संभाल कर दे देते आपको। तो ये 4-5 ऑप्शन बता दिए, अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं और इनमें से 2 या 3 ऑप्शन में से किसी को तो टारगेट करने वाली SRH की टीम। दूसरी वीकनेस की बात कर लेते तो मैं आपको बता दूं कि SRH की टीम को प्रॉपर फॉरेन फिनिशर की भी बहुत ज़रूरत है SRH की टीम को, क्योंकि आपने देखा होगा फिनिशिंग में इतना अच्छा दम नहीं है SRH की टीम के पास। अब्दुल समद है और राशिद खान है, इतना अच्छा बैटिंग नहीं करते, कभी कभी चलते वो, तो SRH की टीम फिनिशर के ऊपर भी ज़रूर जाने वाली है। और आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन है, इस बार बैन कटिंग अगर आ गए ऑक्शन में KKR की तरफ से और आना डेफिनेटली पक्का ही उनका, तो बैन कटिंग अच्छी पावर हिटिंग करके दे देते और SRH की टीम की तरफ से अभी खेल भी चुके हैं बैन कटिंग 2016-17 में, तो अच्छा खेले थे वो, अच्छे रिकॉर्ड है बैन कटिंग के। और क्रिस मॉरिस अगर RR की तरफ से आ गए तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्रिस मॉरिस को तो कोई सी भी टीम छोड़ेगी नहीं। काइल जेमिसन RCB की तरफ से आ गए तो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तेज़ गेंदबाजी में भी आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा और फिनिशिंग भी करके दे देते हैं। मोइन अली भी अगर आ गए तो स्पिन ऑप्शन अच्छा मिल जाएगा आपके पास और फिनिशिंग भी अच्छी कर लेते हैं मोइन अली, ओपनिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मॉइसेस एनरिकेस भी SRH की टीम की तरफ से 2016-17 में खेल चुके हैं, तो मॉइसेस एनरिकेस के ऊपर भी SRH की टीम जो है डेफिनेटली टारगेट करने वाली है। बेन स्टोक्स के बहुत कम चांसेस है आने के, पर अगर आए तो SRH की टीम ज़रूर जाएगी और बेन स्टोक्स को तो बहुत सी टीमें टारगेट करने वाली है। तीसरी नीड जो रहेगी SRH की टीम की वो है फास्ट बॉलर को टारगेट करने की, इंडियन फास्ट बॉलर को, और भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन अगर रहे SRH की टीम में तो 1-2 फास्ट बॉलर को और तलाशेगी SRH की टीम। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, अगर आवेश खान आ गए दिल्ली की तरफ से तो आवेश खान को तो बहुत सी टीमें टारगेट करने वाली है। चेतन सकारिया ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस बार, चेतन सकारिया को भी टारगेट
करने वाली है। कार्तिक त्यागी भी अच्छा आरआर की तरफ से अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। तो ये तीन चार ऑप्शन है जिसमें से एसआरएच की टीम पक्का डेफिनेटली टारगेट करने वाली है इस बार के ऑक्शन में। और इंडियन स्पिनर को भी तलाश है कि इस बार एसआरएच की टीम, आपने देखा होगा राशिद खान के अलावा इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है इनके पास स्पिनिंग में। तो ललित यादव अगर आ गए दिल्ली की तरफ से तो ललित यादव बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छी गेंदबाजी करी थी इन्होंने, एवरेज भी कम था और विकेट भी लेकर दे देते आपको, तो ललित यादव अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। राहुल चहर अगर मुंबई की तरफ से आ गए तो राहुल चहर का भी परफॉर्मेंस आपने देखा होगा और मुंबई की तरफ से तो मतलब नेक्स्ट लेवल का रहता है इनका। और अगर आ गए ऑक्शन में तो एसआरएच की टीम ज़रूर जाने वाली है। और युजवेंद्र चहल के भी थोड़े कम चांसेस है आने के, पर अगर आ गए ऑक्शन में तो एसआरएच की टीम जो है डेफिनेटली युजवेंद्र चहल को भी टारगेट करने वाली है। तो ये तो टारगेटेड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट थी, पूरी कमजोरी के साथ बताई मैंने आपको। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।